के बनोगे। मैंने लिखा था सौ दफा लफ्जों में जो इश्क था, हुआ ना हो तो से बया, खुद से नाराज हूँ क्यों बे आवाज हो, मेरी खामोशिया सजा दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता। How are you doing, ICT? Are you feeling good? That's amazing. This is my very first solo college show and it's at your college. Are you feeling excited? Let's make this a memorable night for all of us. Let's do it. Are you ready for more? Thank you.
I got this really special set that I've prepared of some of my favorite romantic tracks. I want to see your hands up. Come on. I want to sing with you. कोई जादू और को है
सिरने की ना की भी कोशिशें ओ मैसे कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें ओ किसी से भी मिले की ना की थी कोशिशें उलझन मेरी सुलझा ले to sing with me. Will you do that? Are you ready? Let's do it. Come on. Put your hands together. Come on. Oh, yeah.
ये बल्ब निकाल दीजिए, वो लगा होगा, बल्ब निकाल दीजिए अगर अभी तो अभी तो शुक्र है तुम लंबे नहीं हो। और कहाँ देखना लुक बता दीजिए। सर मैम, सर आप सबसे पहले बताएं कितने एक्साइटमेंट और कितने नर्वसनेस है आज के शो को लेकर, आज के स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। सर मेरे म्यूजिकल कॉन्सर्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सर मेरे के म्यूजिक का सक्सेस, जो कि लोग ने इतना प्यार दिया हमें, दे हैव लव्ड ऑल द सॉन्ग्स एंड इट्स जस्ट ग्रेट। इट्स अ स्मॉल वे टू से थैंक यू टू एवरीबडी फॉर ऑल द लव दैट यू गाइस हैव गिवन अस। मैम यू टोटली आई थिंक नर्वसनेस की जगह ही नहीं छोड़ी आपने, प्यार इतना दे दिया एंड ये मूवी बनी है बहुत प्यार से, लव स्टोरी है और आप सबके लिए है और शुरू से ही याद है। दादी वाला आंसर दिया, कोई दादी वाला नर्वसनेस की जगह ही नहीं छोड़ी आपने, प्यार ही इतना दे दिया। प्लीज दैट्स रियली ट्रू, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैम व्हाट्स मेड यू मेक्स यू टू मेक दिस लव लव एंड रोमांटिक मूवी? आई थिंक लव स्टोरी बनाने के लिए पर्सनली यू नीड टू बी लाइक अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन, और या यू नीड टू अंडरस्टैंड लव एंड इमोशंस कनेक्टेड टू लव। सो आई थिंक बहुत ही आई हैव डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द लेजेंडरी यश चोपड़ा जी, जिन्होंने बहुत ही आइकॉनिक लव स्टोरीज बनाई थी, और मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है एक बहुत ही इनोसेंट सोलफुल लव स्टोरी बनाने को, एंड देर जस्ट 5 days टू गो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पूरी ऑडियंस इतनी बेसब्री से वेट कर रही है, सो इट्स जस्ट रेजिंग आई एक्साइटमेंट इवन मोर। काफ़ी एक साथ काम किए गए इस फिल्म में, तो किस तरह से एक्सपीरियंस था आप सभी का? काफ़ी लंबे समय तक हमने काम किया है, कैसे एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करने का? यू नो एक्सपीरियंस एक्चुअली आई थिंक वी ऑल बिकेम अ फैमिली वाइल वर्किंग ऑन द फिल्म, क्योंकि हमने जिस तरह की लोकेशंस पे शूट किया है, इट्स एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम अ रिस्पेक्टिव फैमिलीज, स्टेइंग अवे फ्रॉम अ हाउस होम्स, आई थिंक इट बिकम्स अ फैमिली व्हेन यू आर देयर, एंड इट बिकम्स ईजियर व्हेन ऑल ऑफ यू आर वर्किंग टुगेदर एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, एंड इन दैट सेंस आई थिंक दिव्या वॉज जेन्युइनली द कैप्टन ऑफ द शिप एंड शी टुक चार्ज एंड शी ऑल्सो टुक केयर ऑफ मी लाइक अ मदर। like a teacher, like a Hitler wala teacher. She took care of. I think both of us, yeah, both of us. It was fun working because you know इतनी मुश्किल location है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे सांस नहीं आती है, कहीं पे खाना नहीं आता है, कहीं पे हर जगह मिलता है। अरे कल्पा में वहाँ पे मुर्गी की टांग भी ऐसे पोलियो वाली आती थी। यो वेजिटेरियन ना, तो पनीर थोड़ी कमजोर आता है, चिकन कमजोर आता है। तो मतलब ऐसा हमारे साथ होता था वहाँ पर, बट स्टिल इट वॉज द वर्क एंड द रिजल्ट दैट वी वर लुकिंग, जो मॉनिटर पे हम देखते थे, आई थिंक दैट इज़ वॉट केप्ट अस गोइंग एंड द फैक्ट दैट वी बिलीव्ड इन दिव्या कि यू नो शी प्रॉमिस्ड अस कि शी इज़ गोना डिलीवर समथिंग रियली मैजिकल, एंड एज वी आर सीइंग द फीडबैक on the trailer and the songs, I think she's definitely delivered on her promise. मैम आपसे जानना चाहूँगी किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा पुलकित सर के साथ काम करने का? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे को एक्टर हैं, और जिस तरह की आई थिंक अगर कोई तारीफ करता है आपके काम की कोई भी,
कभी भी, तो आई थिंक उसका डेफिनेटली श्रेय आपके को एक्टर को डेफिनेटली जाता है. श्रेय कौन है? एंड अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स पुलकित, सबके साथ काम करने बहुत मजा. आई थिंक दिव्या मैम एज ही सेड दैट समथिंग जो उन्होंने हम दोनों को बात बोली थी कि जस्ट ट्रस्ट मी और मैजिक क्रिएट कर दूंगी, मैजिक कर दूंगी. एंड शी रियली शी इज डन समथिंग विद हर विद अ मैजिक वांड. मैम मूवी की बात करें तो ऑडियंस को किस तरह मूवी मतलब एज एन हैप्पी एंडिंग नजर आएंगी या फिर कुछ सैड एंडिंग या फिर ओह आई थिंक वो तो ये तो सस्पेंस है. आई थिंक ये तो बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक एक प्योर लव स्टोरी है और यू नो आई थिंक सबके हार्ट्स मेल्ट कर देगी ये पिक्चर और इमोशंस में बहुत हाई है, सो सबको बहुत हंसाएगी और बहुत रुलाएगी. वैलेंटाइन डे आ रहा है मैम, तो वैलेंटाइन डे के प्लान के बारे में कुछ जानना है? तो पता ही नहीं था वैलेंटाइन डे पर. मेरा प्लान है कि मैं ऑडियंस के साथ सनम रे देखूं, हम सब ऑडियंस के साथ थिएटर में देखें और हम आपकी वेट कर रहे हैं. यू हैव अ डेट विद अस ऑन द 12th ऑफ फेब, वी आर कमिंग टू थिएटर. 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है यू नो, सो आई एम रियली बियॉन्ड दैट. और मुझे पता है कि आई एम कॉन्फिडेंट एज अ मेकर कि मेरी पिक्चर अच्छी है, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ यू नो हम तो उतर गए वॉर जोन में तैयारी के साथ, जो आने आ जाए. वी विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट एंड इट्स नॉट अबाउट हु इज गोना विन, हु इज गोना लूज, दैट्स नेवर द पॉइंट. इट्स ओनली अबाउट द पर्पस इज टू एंटरटेन द ऑडियंसेस व्हेन दे कम टू द थिएटर टू वॉच सनम रे. अरे कॉन्सर्ट चालू हो गया, चलो अभी सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल देते हैं. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. थैंक यू. कैसा रहा ये एक्सपीरियंस सनम रे का? फाइनली एक हफ्ता बचा है, द फिल्म इज अबाउट टू रिलीज. हेलो एवरीवन, जय मंजर. आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर विद माय स्टार कास्ट एंड यू नो योर प्रेजेंस मींस अ लॉट टू अस. एंड ऑलरेडी आपने ट्रेलर को इतना हिट बनाया है, गानों को इतना हिट बनाया है. वी वांट योर लव on the 12th of Feb, and Sanam Re is a pure classic love story about finding your soulmate and making your love even stronger with your soulmate. So you all have to be there in the theaters on the 12th of Feb, guys. So let me introduce to you my Sanam Re couple, the handsome Pulkit Samraj playing Akash and Yami Gautam playing Shruti. Yeah, me. Thank you so much.
थैंक यू ऑल ऑफ यू. तो ये मैं पक्का समझू आप लोग आ रहे 12 फरवरी को सनम रे शो. एक बार सब मिलकर नाम बोलेंगे फिल्म का. फिल्म का नाम क्या है? आगे वाले देखने वाले लग रहे हैं, पीछे वाले तो कुछ बोल ही नहीं. बोलिए आप पीछे से ऐसे हाय. Out there. पीछे यानी only the people here love you, nobody loves you. Nobody loves me there. सबको गाना आ गया. साथ में गाएंगे. ओके लेट्स स्टार्ट. ओके लेट्स गो. Thank you.
check. Can you please increase my voice in the monitors? Hello, check, check, check. How are you guys feeling? थोड़ा और शोर मचा हुआ यार, ये क्या हो रहा है? That's more like it. I'm going to sing this song from the movie Sanam Re, which is a duet with Palak. And it's composed by my brother Amal, who's not here, but a big round of applause for Amal, because if it wasn't for him, I wouldn't sing this song in this movie. So here goes Hua Hai Aaj Pehli Baar. Are you ready? Let's do it. Come on. Track louder, please. Hello, my voice also. Come on, put your hands up. Person on stage, where's Pulkit? Play the next track. This is especially for Pulkit, and the song's name is Gazab Ka Hai Din. I'm sure you've heard it. Make some noise, come on. Let me hit the track. Come on, put your hands up. Oh,
लिए फिर अब ना होगा ये इश्क दोबारा तेरे लिए हम है जिए तेरे लिए हम है जिए थैंक यू यार ये मेरा नया गाना है यार मिथुन मिथुन Next song. All right, let's play the track, please. This is my recent song. Film called Airlift. Song name is Dil Cheez Tujhe Ready. Track ka level kam karna. मेरा वोकल आना चाहिए ट्रैक का लेवल कम करो
that amazing voice in the part which says mere sanam re mera hua re as of this young man. Thank you so much. It's all because of you, sir. So that's about it. That was me too. Party puri palli hai, bachi khal palli hai. Party puri palli hai, bachi khal palli hai. Sanam bal se hum nahi karte, humne setting kar li hai. Apni tarah se peete, duniya halki baki kyunki. Thank you.